हरे कृष्ण श्रीवृंदावन धाम की जय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगे वाले श्लोक और आगे वाले श्लोक के बारे में जानेंगे। तो मैं फटाफट पढ़ते जाऊंगा और बाद में जब समझाते भी जाऊंगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्कंद 3 अध्याय 15 श्लोक नंबर 25। आनंद भाव में जिन व्यक्तियों के शारीरिक लक्षण परिवर्तित होते हैं और जो श्री भगवान की महिमा का श्रवण करने पर गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं तथा प्रवेशित होते हैं, वे भगवत धाम जाते हैं, भले ही वे ध्यान तथा अन्य अनुष्ठानों की तनिक भी परवाह न करते हो। भगवत धाम भौतिक ब्रह्मांड के ऊपर है और ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण इसकी इच्छा करते हैं, मतलब ब्रह्मा लोग भी इच्छा करते हैं कि वो भगवत धाम जाए। तो और श्लोक 26, इस तरह सनक सनातन सनंदन तथा सनत कुमार नामक महर्षियों ने अपने योग बल से आध्यात्मिक जगत में उपयुक्त वैकुंठ के ऊपर पहुंचकर अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक आकाश अत्यधिक अलंकृत विमानों से जो वैकुंठ के सर्वश्रेष्ठ भक्तों द्वारा संचालित है, प्रकाशमान तथा पूर्व पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अधिशासित था। अब हम देखेंगे कि वैकुंठ में जब सनक सनातन सनंदन सनत कुमार जब चारों लोग पहुंच गए, अब वहाँ पे वो क्या पाते हैं द्वारपाल पे, मतलब होगा ना दरवाजा, होगा दरवाजा से कौन कौन बाहर खड़ा होगा, अंदर क्या होता होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चलेगी। ध्यान से सुन रहे हैं, श्री भगवान के आवास वैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु की 2 चमचमाते व्यक्ति को देखा। 2 व्यक्ति 7वें नंबर गेट पे खड़े थे, 2 गदाएं लिए हुए और अत्यंत मूल्यवान आभूषण कुंडलों हीरों मुकुटों वस्त्रों इत्यादि से अलंकृत थे। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे जो मंदोमत भौरों को आकृष्ट कर रही थी, मतलब इतने ताजे फूल थे कि जो भौरे हैं वो उस पे आके बैठ रहे थे, फूल पे आकृष्ट कर रही थी, और उनके गले के चारों ओर उनकी 4 नीली भुजाओं के बीच में पड़ी हुई थी, मतलब 4 हाथ होंगे ना द्वारपाल के, 4 हाथ होंगे तो यहाँ से होते हुए वो हार नीचे तक आ रहा था। उनकी वक्र भौहें अतृप्त नथने तथा लाल लाल आंखों से वे कुछ कुछ क्षुब्ध प्रतीत हो रहे थे, मतलब थोड़े से शब्द द्वारपाल है भाई ना। अब तात्पर्य में क्या लिखा है, उनकी मालाएं भौरों के झुंडों को आकृष्ट कर रही थी क्योंकि वे मालाएं ताजे फूल की थी। वैकुंठ लोक में हर वस्तु ताजी नवीन तथा दिव्य होती है। वैकुंठ के निवासी के शरीर नीलाभ रंग के होते हैं और नारायण के समान उनके 4 हाथ होते हैं। वाओ, सनक सनातन सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों को खोला, उन्होंने अपने पराये का कोई विचार नहीं था, उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह अन्य 6 द्वार में होकर आए थे जो हीरे तथा सोने से बने हुए थे, मतलब वहाँ के दरवाजे भी हीरे और सोने के हैं। ठीक है, तो आज का इतना ही, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे, कल और भी ज्यादा चीजें सीखेंगे। पहले मैं पढ़ लूँ ताकि मैं थोड़ा समझ जाऊँ, फिर मैं आप लोगों को जब बता पाऊंगा ना तो थोड़ा इजीली तरीके से और बता पाऊंगा। तो मैं आगे का थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ, और फिर उसके बाद जो भी होता रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। तो भैया ये हमारा छोटा सा सेटअप है, मतलब इतना बड़ा स्टूडियो नहीं है, छोटा सा सेटअप है। आज मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक मैं आपको बता दूंगा इंस्टाग्राम और इसमें यूट्यूब के, उसमें मैं आपको सारी चीजें अपडेट करता रहूंगा। एक रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ, एक व्यक्ति है जो इस्कॉन को एक्सपोज कर रहा है तो उसको एक्सपोज करने मैं जा रहा हूँ। अरे कृष्णा, तो थोड़े दिन पहले आई थिंक 10 से 15 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था। अब धीरे धीरे माहौल थोड़ा सा अच्छा हो गया। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे एक बाबा जी थे, वो सब्जी बेचते हुए जा रहे हैं, अगर आपने डेली ब्लॉग ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, बट अब भगवान की कृपा से सूखना शुरू हो चुका है। मैं आपको और भी चीजें दिखाता जाऊंगा। राधे राधे। तो ये माता जी, प्रभु जी आप कितने साल पहले वृंदावन आए थे? मैं 35 साल करीब हो गया वृंदावन आया। तो आप जब वृंदावन आए थे तो वृंदावन कैसा था, थोड़ा बताओगे? हाँ, वृंदावन उस समय अभी जो देख रहे हो इतना बड़ा नहीं था, थोड़ा छोटा ही था। अच्छा। हाँ, अभी जो ये चेतन विहार की बात कर रहे हो, ये भी उस समय चेतन विहार नहीं था। अच्छा। आपका जो पहला स्कूल इधर था उस समय वो भी नहीं था, उधर पूरा जंगल था। हाँ, जंगली मान। अब जब आप यहाँ पे आए तो ये सब था कुछ? ये तो अभी बना है, मान लो 2012 की बात बना है ये। तो आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं हूँ कुछ बिहार का। कुछ बिहार, असम। असम बडार, मान लो असम बडार, नॉर्थ बंगाल बोलते हैं। और माता जी? माता जी है आपका वेस्ट बंगाल है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो आप लोग की शादी कहाँ हुई थी, वृंदावन में हुई थी या वहीं? हुई तो ये पुरुलिया में हुई, तो मैं यहाँ से गया।
अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एकदम सही सही बताना, जब आपने प्रभु जी से शादी किया था तो प्रभु जी जॉब कर रहे थे? नौकरी करता था, वो बेल जैसे काम करता है ना, कारपेंटर की काम करता है, दूसरी के पास से काम करता है। अच्छा, तो आपको प्रभु जी ने तो वादा किया होगा कि मैं चांद तारे लेके आऊंगा? नहीं, मुझे कुछ नहीं बोला, मेरे पास में, मेरे मम्मी पापा के पास में तो कुछ नहीं लिया, और मेरी भी ऐसा नहीं है जो मुझे चांद तारा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। तो ये प्रभु जी पसंद है आपको? बच्चा सब एक खुशी में है, जय हमारी अच्छी है बस। तो प्रभु जी पसंद है कि नहीं है? अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। चलो ऐसा ऐसे ही रहो, अभी आपको देख के बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? मैंने जो शादी की, मेरे शादी की भी ऐसा हुआ, कुछ नहीं लिया। ऐसा हुआ था, वृंदावन में हम जब आए थे कुछ दिन पीछे, पिताजी की मदार हो गए यहाँ, जितना पैसा था जिंदा रहा, हमने सोचा बचेगा तो ये मेथोडिस्ट में हमने भर्ती किया उनको। अच्छा, तो पूरा पैसा हमारा वहाँ बर्बाद हो गया, फिर कुछ नहीं बचा हमारा पास। अच्छा, तो ऋण देना में पड़ गया था, उस समय ज्यादा उम्र भी नहीं था मेरा, 22 साल करीब उम्र थे। तो मुझे नहीं लगा कि मेरे जिंदगी में शादी होगा या ऐसा घर परिवार होगा। तो आप तो बहुत भाग्य जो किया, इनका बड़े दीदी आया थे कि ऐसा है शादी कर लो आप, 28-29 साल उम्र हो गया। मैंने देखा मुझे कौन बेटी देगा अपना, कोई माँ बाप देगा? क्योंकि आपके पास कुछ था नहीं, था नहीं, ना कम धंधा था, ना कोई, मैं नकरी वाला हूँ, ना बैंगलोर है। फिर जो भी है, इनके पापा ने फोन किया मेरे पास, फिर मैंने अपना सच्चाई जो है मैं पूरा बता दिया कि ना तो मेरे पापा है, ना मेरे जमीन है, ना खेत है, ना बैंक बैलेंस है, जो देख रहे हो मुझे ही देख रहे हो। हाँ। बेटी की बाप थोड़ा सोच समझ लेना, तो इसलिए एक साल उन्होंने लेट किया, इधर उधर देखा होगा, रश्मि इसका किस्मत मेरे पास है, ऐसा ही हो गया। तो आपको पसंद है प्रभु जी? तो शादी के पहले फोटो वोटो देखा था या ऐसे ही? नहीं, नहीं, हम कुछ नहीं देखा था, ऐसे ही आ गया प्रभु जी के पास। मेरा दीदी ने लेके आया था, मेरा दीदी ने लेके आया था, दीदी ने बोला, जीजा जी ने, मैंने 2 दिन पहले जाना, मेरा शादी है। अच्छा, 2 दिन पहले आपको पता चला कि आपकी शादी इनके साथ होने वाली? चलो, पहले के है ना, पहले इतना बताता नहीं, आज जितना चल रही ना, जैसे लॉन मैनेज वगैरह वो चलता नहीं था। चलो चलो, बहुत अच्छा। तब पहुँच जी आया था और 2 दादा गया थे यहाँ से शादी करना, मेरा दीदी, जीजा जी। तो आप अभी खुश हो? अपने जिंदगी से 4 बच्चे लेके, हमारे पति लेके, हम खुश, बहुत खुश हो, बहुत खुश। वृंदावन में मजा आ रहा है? वृंदावन में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलो, तो ये है भैया वृंदावन धाम, और ये है भक्तों का प्रेम, सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर दे। चलो प्रभु, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे पूरा पानी भरा था, अभी भी थोड़ा पानी है यहाँ पे, पूरा पानी भरा हुआ था जब हम आज थोड़े दिन पहले आए थे, इसमें से निकालना तो बड़ा मुश्किल ही है। तो आज देखो, पता नहीं ब्रज के कौन से जगह पे पहली बार मैं खुद ही आ रहा हूँ। बड़ी गाड़ियाँ छोटे छोटे गाड़ियों को जाने नहीं देती है, फिर हम निकल जाते हैं। आने वाले समय में सब जगह पे बिल्डिंग रहेगा यहाँ पे, कुछ नहीं बचेगा। अभी हम जैसे ही निकले, हमें पता चला कि भाई देखो भयंकर वाली वर्षा हो रही है, और हमारे रामलाल प्रभु जी देखो खम्बे पे बैठ के इंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। हम भी चले बारिश, अरे गाड़ी कहाँ लगाई है? हाँ वहाँ पे, हम भी चले घर पे, इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि वृंदावन के जब तक थोड़ी चीजें नहीं दिखाएंगे, आप लोग वीडियो देखते नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें तो दिखानी पड़ेगी अगर बारिश नहीं हुई तो, और घर पे जाके थोड़ा शास्त्र अध्ययन करेंगे। हाँ बच्चे, क्या बोल रहे हो? क्या घर जा रहा हूँ, अभी आऊंगा, खिचड़ी सेवा में आऊंगा, अभी शाम को आऊंगा, ठीक है? तो कौन सा बच्चा आ जाएगा, कृष्णा मंत्र बोलेगा? आप आओ, आओ इधर आओ, 2 बार नहीं बोलता हूँ मैं, जिसका हाथ पकड़ लिया वो बोलेगा, और नहीं बोलेगा तो उसको बोलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा हरे कृष्ण मंत्र बोलो। सारे बच्चे, किसी बच्चों का आवाज नहीं आना चाहिए चू चपाटा, सारे लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे जोर से, बोलो हरे कृष्ण मंत्र आता है ना आपको? चलो अभी तो बोल रहे थे, चलो मैं बोलूंगा, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण जोर से जोर से, सबको देख के। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जोर से बोलो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे, बोलो बोलो हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। सभी लोग इनके लिए ताली बजाएंगे, सभी लोग, वेरी गुड वेरी गुड। और कौन बोलेगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ, वेरी गुड वेरी गुड, आओ, आता है ना आपको हरे कृष्ण मंत्र? वेरी गुड, सुना सबको, हाँ पत्तल बांटते रहो, रुको रुको
इतना तेजी से बोलना है कि इस्कॉन तक आवाज जानी चाहिए, इस्कॉन तक, पता है ना, उतनी जोर तक। चलो बोलो। ये भैया, वेरी गुड। हरे कृष्णा मित्रों, तो अभी हम निकल चुके हैं दर्शन के लिए, श्याम सुंदर के दर्शन करेंगे। थक जाते हैं यार, क्या करें, थोड़ा तो निकलना ही पड़ता है, और सुबह हम वीडियो बनाते नहीं हैं, सुबह हम थोड़े रहते हैं व्यस्त। वृंदावन धाम की जय हो। तो आज का मौसम भी अच्छा ही है पहले की तरह। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं यमुना महारानी के दर्शन के लिए। परिक्रमा मार्ग आज थोड़ा खाली है क्योंकि आज वर्किंग डे है, और परिक्रमा मार्ग में आ गया बंदर। भागो, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस ऐसे देखते हुए चलो। जय हो, खाटू श्याम वाले बाबा की जय। आने वाले समय में मेरा व्लॉग ना इतिहास देखेगा, पता है, बदलता हुआ वृंदावन। लोग बोलेंगे उड़ताकाश का व्लॉग देख लो, उसमें पहले वाला वृंदावन देखने को मिलेगा, अगर YouTube चलता रहा तो। YouTube तो चलता रहेगा, पता नहीं भाई, बंद हो गया तो भाई तब तो आंखों के सामने लगा रहेगा, ऐसा लोग ऐसा उंगली दबाएंगे YouTube चालू। जय हो बिहारी जी की जय हो। तो मैं, चलो आप लोग को एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। आज मैं सुबह ही पढ़ रहा था, तो वो मैंने आप लोग को भागवतम एक्चुअली दूसरी बुक पढ़ रहा था, तो वो मैं बता रहा हूँ। और ऐसा लिखा है कि जब हम वृंदावन, अरे भैया बढ़ा ले, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। तो वृंदावन उसमें लिखा है कि अगर हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो एवरी स्टेप अगर हम ब्रज में लेते हैं तो हमें कृष्ण के समीप लेके जाता है। हाँ, ऐसा उसमें लिखा है, तो ये तो मैं आपको रेफरेंस भी दिखा दूंगा। और ब्रजमंडल जो व्यक्ति परिक्रमा करता है वो बहुत ही भाग्यशाली है। ये बाबा को मैंने जब भी देखा है, बाबा जी दौड़ते हुए भी परिक्रमा लगाते हैं, हमेशा दौड़ते हुए परिक्रमा लगाते हैं। ब्रज में ऐसे अनेक संत हैं जिनको समझ पाना असंभव है। अब कितने संत तो सिर्फ अपने कुटिया में है, बाहर निकलते ही नहीं। जय हो यमुना महारानी की जय। मौसम बेसिकली ब्रज का बहुत अच्छा है, आप अगर आना चाहो तो आ सकते हो, राजाष्टमी पे कृपा प्राप्त कर ले। ओल जय जय राधा। अरे वाह लाला, वाह बहुत सुंदर लाला, बहुत सुंदर। राधे राधे। यमुना महारानी की जय। तो मैं एक बार श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था, तो श्रीमद् भागवतम में लिखा था यमुना के किनारे क्या क्या था पता है, आम, कटहल और बहुत पुष्प, और साथ ही साथ में हंस, बतख, बहुत सारी चीजें थी इस यमुना के पास में। पर धीरे धीरे जैसे जैसे समाज आगे बढ़ते गया, हम डेवलप होते गए, ये सारी चीजें गायब होती गई। ये मैंने भागवतम में ऐसा पढ़ा था, तात्पर्य में लिखा था। अब भागवतम में क्या मिल रहा है? भागवतम में ये मिला था और अब तो क्या ही मिलेगा। अरे कृष्णा, तो बस मैंने बेसिकली ये मुझे बोलना था ब्लॉग के थ्रू, जितने भी लोग गिन के देख रहे हैं 10-15-20 लोग, अगर आप जेन्युइनली ब्रज में चाहते हो कि मैं आऊं भक्ति करूं तो यार बच्चे लोगों से ना कभी तिलक विलक मत लगवाओ यार। जो छोटे बच्चे हैं, मतलब मैं आपको फुटेज नहीं दिखा सकता, आई डोंट नो कितने लोग इतना वो हो जाएंगे, तिलक लगाते हैं, बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसा तिलक लगाते हैं, तो अल्टीमेटली दोना बेचते हैं ना, चाहे चलो हो सकता है कि दिया दिखाने के लिए यमुना महारानी के लोग बेचते दोना, बट आपको आइडिया नहीं है। जस्ट मैं आपको एक रेफरेंस बता रहा हूँ, अभी एक छोटी सी बच्ची से मैंने बात किया, छोटी सी बच्ची बोल रही है मम्मी ने भेजा मुझे, उसके बच्ची का मन नहीं है, पर उसके मम्मी ने बोला कि जा 2-3 बेच के आ जाना,
कम से कम 100-200 रुपए लेके आ जाना। वो बच्ची के माइंड में ये रहेगा कि यार मुझे ना जाके वहाँ पे सिर्फ काम करना है और ये करना, मतलब आप अगर शायद मेरा पर्सपेक्टिव समझ पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अपने घर आ रहे हो ना, वृंदावन दर्शन करने आ रहे हो, अपना यार कापूस ले लो, मतलब रोई घी में डुबो के अपना दिया और एक दोना खरीद के अपना ला के अपना खुद करो ना। बच्चों लोगों को करने की आवश्यकता ही नहीं है, कि माता पिता जाहिर सी बात है अगर बच्चा पैदा किया तो खिला भी सकते हैं ना, बट बच्चों को चाइल्ड लेबर में लगा देते हैं। मतलब मुझे नहीं पसंद है, बिल्कुल लिटरली बोलूं मुझे नहीं पसंद है। इसमें कितने सारे बच्चे परेशान होते हैं, छोटे छोटे बच्चे देख के मेरा दिल दुखता है, और छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे कपड़ों में कितने, मतलब मैं आपको फुटेज नहीं दिखा सकता क्योंकि बिना मतलब के बवाल खड़ा होता है। बट यही है कि अगर आप समझदार हो तो भैया अपने घर से करो, लाओ अपना दिया अगरबत्ती लाओ, जो ब्रज के बहुत पुराने लोग हैं वो अपना खुद दिया हुआ लाते हैं, अपना खुद दिखाते हैं उठाते करते हैं, तो आप भी समझदार बने ब्रज आए तो ऐसे ही करना। बच्चों से तिलक उलक लगाने की आवश्यकता नहीं, मुझे लगता है अपने घर से तिलक लगा के आओ, आप अच्छे भक्त हो। तो यहाँ से देखो आप मदन मोहन कितने प्यारे लग रहे हैं, ये दिल्ली वाले ना भाई, सॉरी दिल्ली वालों, आई डोंट नो व्हाट टू से, जय हो भाई। ये ना आगे जा रहा है ना जाने दे रहा है। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 7 और हम अभी पहुंचे हैं मंदिर। सुबह से पूरा काम धंधा निपटा उपटा के निद्रा प्रभु का संग प्राप्त करते हुए हम मंदिर की तरफ गंतव्य कर रहे हैं। क्या करें, जय हो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, जय हो प्रभुपाद। 23 तारीख को है राधाष्टमी, जय वृंदावन, जय वृंदावन। देख रहे हो मंदिर कितना खाली है, अच्छा लग रहा है देख के क्योंकि अभी लोग थोड़े कम है, चलो दर्शन कर ले। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अब आप सोच रहे हो मेरी सांस क्यों फूल रही, क्योंकि मैं ना पानी का बॉटल उठा के ऊपर ले गया हूँ, हालत खराब हो गई है। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हरे कृष्ण।